गाय को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। गाय को चारा खिलाने से आपके जीवन में कई बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए बताती हूँ कैसे गाय आपके जीवन को बेहतर बनाती है। गौ माता को केला खिलाने से आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। एक स्टडी में पाया गया कि जहाँ गौ माता सांस लेती है, वहाँ के 100 मीटर तक का एरिया हार्मफुल बैक्टीरिया फ्री रहता है। एक चम्मच गाय का घी आग में डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनता है। गाय का आधा चम्मच घी खाने से हिचकी रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से खाएं। पुराने घी से मालिश करने से खांसी और कफ से निजात मिलती है। आज दीपावली का अगला दिन है, आपको एक खास चीज करनी है, नहीं तो महालक्ष्मी फिर से फिसल जाएंगी, चंचलाएं दूर चली जाएंगी। आपको क्या करना है वो जानिए। आज के दिन आपको खर्च करने से बचना है, इसके पीछे खास वजह है। दीपावली की रात को लोग माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। मान्यता ये है कि दीपावली के अगले दिन ही अगर खर्च करने लग जाएं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। गोवर्धन पूजा के त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन अन्नकूट और पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। इस समय कुछ नई सब्जियां बाजार में आ जाती हैं, जैसे गोभी, मटर, गाजर, सेगरी और सेम, और इन सब्जियों को खाने की शुरुआत अन्नकूट की सब्जी बनाकर की जाती है। आपको अपने घर में सीजनल वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। आपको सब्जियों से क्या फायदा होगा वो जानिए। गोभी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मोतियाबिंद के खतरे को कम करती है, मटर चेहरे की चमक बढ़ाता है, सूजन और चलन में राहत पहुंचाता है, गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाता है। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या सवाल है, चलिए आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या बहुत मेहनत के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है? एक बिना दाग वाला बड़ा नींबू लें और आप उसके जाकर 12 बजे से पहले जाकर उसके चार हिस्से कर लें, चारों डायरेक्शंस में छोड़ दें। नौकरी से जुड़ी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए तो जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। आपके लिए बड़े काम की जानकारी लाई हूँ। घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति स्थापित है तो एक जरूरी बात जान लीजिए। श्री कृष्ण को 6 चीजें बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक है बांसुरी, दूसरी गाय, तीसरी मिश्री, चौथे मोरपंख, पांचवा कमल और छठा वैजंती माला। इसीलिए जब भी आप श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें तो ध्यान रहे कि उनके साथ ये 6 चीजें जरूर हो। जो भी भक्त श्री कृष्ण को ये 6 चीजें अर्पित करता है, उसके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। श्री कृष्ण को 3 वजह से बांसुरी बहुत पसंद है। पहला, बांसुरी एकदम सीधी होती है, उसमें किसी तरह की गांठ नहीं होती, जो संकेत देती है कि अपने अंदर किसी तरह की गांठ मत रखो, मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं, मानो बता रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ कि जब भी आप बोलो मीठा ही बोलो। कहते हैं गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, साथ ही गुणों की खान है, इसीलिए श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। घर के मंदिर में श्री कृष्ण के साथ ही गाय और बछड़ा भी रखना चाहिए। मोर का पंख देखने में बहुत सुंदर होता है, इसीलिए इसे सम्मोहन का प्रतीक माना जाता है। मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त प्राणी समझा जाता है, इसीलिए श्री कृष्ण मोर के पंख को धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग, दुख और कठिनाइयां हल्का रंग, सुख और शांति की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण को कमल भी बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है, इसीलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। कान्हा को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब भी इसे माखन में मिलाया जाता है, इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। उसके प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। भगवान के गले में वैजंती माला है, जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका मतलब ये कि जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही प्रसन्न रहो।
दूसरा ये माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। भगवान कहते हैं जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपने अस्तित्व को असलियत के नजदीक ही रखो।